गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास फोर्थ की SST का लेसन नंबर 15, जिसका नाम था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। इसके अलावा हम कर रहे थे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने रेलवेज के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम करेंगे रोडवेज के बारे में, ठीक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा रोड जो है वो मिलेंगे। रोड्स कनेक्ट विलेजेस एंड सिटीज़। जो रोड है वो गांव और शहरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। रोड इन इंडिया आर ऑफ टू काइंड्स। इंडिया में जो रोड्स हैं वो दो तरह के हैं, कच्चा रोड एंड पक्का रोड। कच्चा रोड आर यूजली फाउंड इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज़। जो कच्चा रोड है वो ज़्यादातर आपको गाँव में ही देखने को मिलेगा। पक्का रोड्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। रोड मे बी मेटेलटेड एंड अनमेटेलटेड। जो पक्का रोड है वो हमें सिटीज़ में देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। और रोड जो है वो या तो मेटेलटेड होंगे या अनमेटेलटेड होंगे। मेटेलटेड रोड्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो मेटेलटेड रोड है वो हमें सिटीज़ की साइड पे मिलेंगे, और जो अनमेटेलटेड रोड है वो हमें विलेजेस गांव वगैरह में देखने को मिलेंगे। रोड प्ले अ मेजर रोल इन आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पीपल आर एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। रोड जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोग जो है वो खुद या उनका जो कोई भी उन्होंने सामान आगे पीछे लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो किसके ज़रिए लेके जाते हैं? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। और ट्रांसपोर्ट को चलाने के हमें रोड्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है नेशनल हाईवेज़। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज। इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं वो कौन से आ जाते हैं? जो नेशनल हाईवे होते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, ये क्या करते हैं? एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाती है स्टेट हाईवेज। दीज कनेक्ट विलेजेस टू टाउन एंड सिटीज। ये जो स्टेट हाईवेज होती है ये विलेजेस को टाउन के साथ सिटीज़ के साथ कनेक्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट मेजर टाउन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विद इट्स हेडक्वार्टर्स। दीज रोड्स हेल्प इन एमरजेंसी सच एज फ्लड्स, फेमाइंस एंड अर्थक्वेक्स। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गुड इजली। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रोड्स होते हैं, ठीक है, ये एक मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करती हैं। जो स्टेट हाईवेज होते हैं इनको ज़्यादातर कब यूज़ किया जाता है? जब कोई आपदा कोई आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाते हैं, उस टाइम पे इन रोड्स का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ कॉमन इन प्लेसेस विच आर लोकेटेड नियर द सी। अब वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट नहीं आ जाते, ये सस्ते ट्रांसपोर्ट्स में आ जाते हैं। इनका यूज़ कहाँ होता है? जो सी के आसपास जो जगहें हैं वहाँ पे इनका ज़्यादा यूज़ होता है। द टू मेन रिवर्स इन इंडिया ऑन विच बोट्स एंड शिप्स नेविगेट आर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो दो मेन रिवर्स हैं जहाँ पे बोट्स और शिप ज़्यादा चलाई जाती है इंडिया के अंदर, वो कौन कौन सी रिवर्स हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। शिप आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। जो शिप्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, जो ज़्यादा भारी और बड़े सामान हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए शिप्स का यूज़ किया जाता है। ड्यू टू इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया हैज़ अ नेटवर्क ऑफ इन लैंड वाटरवे इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स। कहते हैं कि इनकी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन्स है उसके कारण इंडिया में जो है बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में? रिवर्स की, कैनल्स की, बैक वाटर, क्रीक्स, इनकी फॉर्म में बहुत सारे इनके नेटवर्क्स हैं। देर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में 12 बड़े पोर्ट्स हैं और 187 छोटे पोर्ट्स हैं। मुंबई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। जो मुंबई है वो सबसे पुराना और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया के अंदर। सम मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया आर, अब इंडिया के जो सबसे बड़े जो सी पोर्ट्स हैं उनके कुछ नाम बताएं, जैसे कांडला, मुंबई, कोची, पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये कुछ मेजर सी पोर्ट्स आ जाते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो हवा में जो ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन है वो सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाता है।
इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट भी है. इट इज़ यूज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट ट्रेन्स. कहते हैं कि इसको ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यूज़ किया जाता है कंट्री के, क्योंकि वहाँ पे जो पहुँचना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए वहाँ पे जो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है. हेलीकॉप्टर्स आर यूजफुल ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमाइंस एंड वॉर्स. जो हेलीकॉप्टर है उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब कहीं फ्लड आ जाते हैं या कोई आपदा आ जाती है, जैसे वॉर वगैरह होती है, तब हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है. दे आर यूज टू ड्रॉ फूड, क्लॉथ्स एंड मेडिसन इन द अफेक्टेड एरिया. ये क्या करती है, जो अफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे फ्लड वगैरह आए होते हैं, वहाँ पे ये खाना, कपड़े और दवाइयाँ पहुँचाते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर. इसके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर के कारण जो लोग फंसे होते हैं, ये उनको बचाते हैं. इंडिया हैज़ मोर देन 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. इंडिया में 20 से भी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं. इन आवर कंट्री प्राइवेट एयरलाइंस सच एज जेट एयरवे, एयर एशिया एंड स्पाइसजेट ऑफर टिकट्स एज लो प्राइस. अब इंडिया में, हमारी कंट्री में कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, जैसे कि जेट एयरवे है, एयर एशिया, स्पाइसजेट. ये हमें क्या करते हैं, लो प्राइस पे टिकट ऑफर करते हैं. देयरफॉर एयर ट्रैवल हैज़ बिकम अफोर्डेबल टुडे. इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम पे जो है, जो एयर ट्रैवल है वो सस्ता हो चुका है. ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. थैंक यू.